बटरफ्लाई, कैसे आप सब? गुड। हाय दी, हाउ आर यू? आई हैव ए क्वेश्चन, व्हाट इज मास सिंगर? प्लीज रिप्लाई मी दी, आई एम वेट फॉर योर रिप्लाई। लव यू सो मच। जब तक आप मेरा क्वेश्चन नोटिस नहीं करती तब तक मैं पूछती रहूँगी। कर लिया नोटिस? मास सिंगर एक शो था एक्चुअली साउथ कोरिया का, MBC साउथ कोरिया का एक बहुत बड़ा चैनल है। उन्होंने ये शो स्टार्ट किया था जिसमें अलग अलग आइडल्स मास्क पहन के आते थे, परफॉर्म करते थे। 2016 में JK भी गए थे। बेसिकली इसमें एक आइडल पहले मास्क पहन के परफॉर्म करता है और जो वहाँ के जज होते हैं वो जज करते हैं, मतलब कमेंट वगैरह करते हैं, फिर लास्ट में वो आइडल अपना फेस रिवील करता है। ये काफ़ी हिट शो रहा था, इतना कि अमेरिका ने भी इसे कॉपी किया था। फिर अमेरिका ने भी अपने देश में ऐसा एक शो बनाया जो अब तक चल रहा है। तो मास्क सिंगर ये सिर्फ एक शो है, बाकी ऐसे कोई कैटेगरी नहीं है सिंगर की। हेलो दी, मुझे आपसे पूछना था कि ऐसे ही YT पर वीडियो देख रही थी मैंने, RM के कुछ सॉन्ग सर्च किए तो उसमें कुछ ऐसे सॉन्ग थे जो अनफेयर थे। मुझे पता है कि RM ने स्टार्टिंग में कुछ अनफेयर सॉन्ग लिखे हैं। मैंने दो सॉन्ग देखे थे, डू यू और दूसरा था एक्सपेंसिव गर्ल। क्या ये दो सॉन्ग भी इन्हीं में से हैं? एक्सपेंसिव गर्ल सॉन्ग के लिरिक्स थोड़े अनहोली थे, मुझे ये सॉन्ग थोड़े अजीब लगा, तो क्या यही वो सॉन्ग है जो RM ने शुरू में लिखे थे? प्लीज़ बताना दी। हाँ लिखे थे, लेकिन जिस सॉन्ग की बात आप कर रही हैं एक्सपेंसिव गर्ल की, जिसके लिए RM को इतना हेट भी मिलता है, ये RM का सॉन्ग है ही नहीं। ये एक अमेरिकन सिंगर फेरल का सॉन्ग है जिसका नाम था टिकट ऑफ, जिसके RM ने कुछ लाइन चेंज करके इसको एक्सपेंसिव गर्ल नाम के साथ कवर किया था। नए नए आर्टिस्ट कई बार दूसरे जो बड़े और फेमस आर्टिस्ट होते हैं उनके सॉन्ग को कवर करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि RM की स्टार्टिंग थिंकिंग और सॉन्ग में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके लिए RM ने माफ़ी भी मांगी थी। वॉर ऑफ हार्मोन सॉन्ग के लिए BTS की काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके लिए भी RM ने माफ़ी मांगी थी। चीज़ें सीखने में वक्त लगता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे ही हमें समझ आती है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं। और एक नया आर्टिस्ट जब अपनी शुरुआत करता है तो वो हमेशा अपने पुराने सीनियर आर्टिस्ट को देखता है जो थोड़े फेमस हो, और वो उनके जैसे बनने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि एक्चुअली मुझे अपना काम करना है। RM के साथ भी सेम यही हुआ था। RM ने अपने लेटर में भी कहा था कि उन्हें अपनी पिछली कई चीज़ों का पछतावा है। और मेरे ख्याल से कभी ना कभी हम सभी अपने पास्ट में किए गए चीज़ों के लिए पछताते होंगे, राइट? इसलिए अभी ये बात करना कि RM के ओल्ड सॉन्ग कैसे थे, बुरे लिरिक्स थे, अभी ये बात करना बेकार है। पास्ट था, बीत गया, और इसमें अजीब लगने वाली भी कोई बात नहीं है। इंसान गलती करता है और सीखता है, RM भी इंसान है, दैट्स इट। नेक्स्ट दी, मैंने कई बार आपसे कई तरह के क्वेश्चन किए हैं बट आपने नहीं देखे। ये क्वेश्चन भी आपसे मैं फोर्थ टाइम पूछ रही हूँ, अब तो देख लो ना दी प्लीज़। क्या BTS अपने सॉन्ग की कोरियोग्राफी खुद बनाते हैं या फिर किसी डांसर और ट्रेनर की हेल्प लेते हैं? दोनों। हर कंपनी में कंपनी राइटर, कंपनी प्रोड्यूसर, कंपनी कोरियोग्राफर होता है। ये बिग हिट के कोरियोग्राफर हैं, खासकर BTS के, यही ज़्यादातर डांस स्टेप बनाते हैं। कभी कभी BTS भी बना लेते हैं, स्पेशली J-Hope और Jimin। क्या BTS और कोरियन इंडिया को हेट करते हैं? ना, इंडिया से ज़्यादातर गर्ल्स कोरिया में ही शादी कर रही हैं और हैप्पीली जी रही हैं। बाकी कुछ अच्छे और बुरे लोग हर देश में होते हैं, जैसे कुछ हमारे देश के लोग कोरियन लड़कों को भी लड़की कहते हैं या कुछ उल्टे सीधे नाम से बुलाते हैं, वैसे ही कुछ कोरियन हमारे कुछ लोगों को बुरा कहते हैं। जैसे एक बुरे बच्चे की वजह से पूरे क्लास को बुरा नहीं कह सकते, वैसे ही देश के कुछ बुरे सोच के लोगों की वजह से पूरे देश को बुरा नहीं कहते। ओके, तो कोरियन या BTS इंडिया को हेट नहीं करते। हाँ कुछ लोग हेट करते होंगे, पर कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग, पूरा देश नहीं। जंगकुक अब ड्रीमर, यूफोरिया और बिगिन जैसे सॉन्ग क्यों नहीं बना रहे हैं? ड्रीमर सॉन्ग Red1 और इस्लामिक सिंगर का था, JK ने सिर्फ गाया था। हाँ यूफोरिया और बिगिन वो JK के हैं। देखो एक आर्टिस्ट या वो इंसान जिसके पास उसे देखने के लिए लोग होते हैं, वो हमेशा अपने फैंस के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। JK को मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे पास तुम लोग हो,
और मैं तुम्हारे लिए हर बार कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ। मैंने शुरुआत वैसे ही वीडियो से की थी जैसे बाकी सब बनाते हैं, अपडेट वाली, पर फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। मैंने रियल वर्सेस एडिट वीडियो बनाई, फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ हंसा जाए, फिर फनी मोमेंट बनाए, फिर मोटिवेशनल वीडियो, फिर सोचा क्यों ना लाइव देखी जाए तो लाइव वीडियो बनानी शुरू की, फ्रेंडशिप वीडियो, बिहाइंड द सीन्स, शाई मोमेंट, हैबिट मोमेंट, पता नहीं क्या क्या। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। फिर क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बनाई, पहले मैं सिर्फ BTS के क्वेश्चन लेती थी, अब पर्सनल क्वेश्चन भी आते हैं, सोशल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, और अभी मैंने स्वीट और ब्यूटीफुल मोमेंट पर वीडियो बनाने शुरू किए। जिसके पास प्यार करने वाले लोग होते हैं वो उन लोगों के लिए हर बार कुछ अच्छा और अलग करना चाहते हैं, साथ में अलग अलग चीज़ें देखना चाहते हैं। JK भी ऐसा ही कर रहे हैं, वो अपने फैंस को अपना दूसरा साइड दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि वो और क्या क्या कर सकते हैं, हम साथ में क्या क्या कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपनी उम्र के हिसाब से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाय द वे, लव यू टू हनी। ओके देन, फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन।